इस बीच क्या हुआ अचानक मेरठ की धरती पे कि MIM का एक कैंडिडेट उतरता है, नहीं है। यहाँ मेरठ में ऐसा क्या हुआ कि वो विशेष समुदाय अचानक समाजवादी की साइकिल से उतरकर पतंग उड़ाने लगा या पतंग वालों के साथ चला गया, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, आप विशेष समुदाय जिसको बोल रहे हैं भाजपा की भाषा है, अभी क्यों चला गया वापस? आप मुस्लिम बोलिए सीधे, मुस्लिम भाइयों के से आप भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त ना आइए विधायक जी। मैंने सवाल ये किया कि मेरठ में जो वो वर्ग है मुस्लिम वर्ग, वो क्यों चला गया सर? सरकार है ना, भाजपा की सरकार है, 12 लाख लोगों ने देख लिया उसके। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ उसके कैंडिडेट साहब ने, क्या पूछा वो आप जाने, हमने जो बोला हम जाने ना, अभी क्या बता देंगे आपको कल जब चुनाव की वोट निकली है। जो है सर आप भी तो इस शहर के रहने वाले, आप बताइए क्या हुआ? जब मुझे सुनेंगे आप 1,28,000 क्यों हुआ ऐसा? नहीं अब ये तो आप बताएंगे, ये क्यों बताएंगे, ये तो आप बताएंगे सर, मैं पूछने आया हूँ आपसे। इस तरह की सियासत मत करो। और देखो विधायक जी, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, भाजपा के एजेंट बन के जितने, नहीं नहीं आप छोड़िए सर, नहीं नहीं तुम जवाब दो, तुम इसलिए जवाब मत दो तुम पार्टी नहीं हो, सारी बातों का आपका जवाब देना हमारा जरूरी नहीं है। अपने पार्षद लोगों से बात कर लें, उसके बाद बात करेंगे आपसे। धन्यवाद। नगर निगम चुनाव समाप्त हो चुका, रिजल्ट आ चुका, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अतुल प्रधान, जिनकी पत्नी इलेक्शन लड़ रही थी, फौरन आए फेसबुक पर और अपनी बात बताई और कहा चुनाव खत्म, बात खत्म, फिर दोबारा से जुड़ जाएंगे। लेकिन मेरठ की जनता ने जिस तरह से वोट किया है, और पहली बार ऐसा हुआ कि MIM का कैंडिडेट को भी बहुत ज़्यादा वोट पड़ा, यहाँ का मुस्लिम वर्ग विशेष समुदाय वर्ग, आखिरकार क्या वजह रही दो जगह बढ़ गया, ये बात जानने के लिए हमारे साथ खुद विधायक जी मौजूद हैं। मैं शेर के साथ अपनी खबर की शुरुआत करता हूं कि तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। क्या MIM के बारे में मेरठ के जो विशेष समुदाय हैं उन लोगों ने इस बारे में सोचा है कि कुछ और भी चले जाएं? हम बात करते हैं, अतुल प्रधान जी हमारे साथ हैं, आपकी पत्नी लड़ रही थी, कॉन्फिडेंशियल लवरेज आप नज़र आए, और हार के बाद भी ऐसा लग रहा था कि एक जीता हुआ आदमी बात कर रहा है, लेकिन पहले आप नगर निगम के बारे में ही बता दीजिए, उसके बाद पार्टी के बारे में भी दो सवाल आपसे करूंगा कि क्या आप कहना चाहते हैं इस रिजल्ट के बाद। पहले तो ये बताओ आप, जो चुनाव जिस दिन खत्म हुआ, वोटिंग खत्म हुई, उस दिन चेहरा अच्छा लग रहा था, आज अतुल प्रधान का अच्छा लग रहा है? सर हमने तो पहले ही बता दिया था कि कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आ रहे हैं आप, हमने तो पहले बता दिया। ये हमेशा हमेशा ध्यान रखो आप पत्रकार महोदय कि सियासत में ऊंच नीच, हार जीत, कभी सरकार बनना कभी बिगड़ना, ये सब चीज़ चलती हैं। मेन बात है कि लोगों का आप पर भरोसा कितना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कॉन्फिडेंस के साथ ये मैं बात कह रहा हूं कि हमारी पूरी सियासत जब से हमने शुरुआत की और समाजवादी पार्टी के खास तौर से जो राजनीतिक रूप से पृष्ठभूमि है, हमारी जोड़ने की सियासत है, हमारी बांटने की सियासत नहीं है। हम हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैनी को, बौद्धिस्ट को, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, वंचित को, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हम लोग बात करते हैं तो बात आती है संविधान की, और इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि संविधान की रक्षा कैसे हो, संविधान को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। हम भाजपा वाली पिच पर जाकर, भाजपा की तर्ज पर रहकर कभी भाजपा को नहीं हरा सकते। भाजपा कहती है 80-20, और जो उस 80-20 के पचड़े में पड़ जाएगा वो भाजपा वहां पर जीतती जाएगी। हम कहते हैं कि समाज के दबे कुचले लाचार शोषित वंचित अकलियत के लोग, हिंदू मुसलमान भाई, वो जो परेशानी दिक्कत में है, वो सब इकट्ठा हों और तब 80 बने और तब भाजपा के पास 20 बचेंगे, जिसमें हिंदू मुसलमान बड़ी तादाद में होगा क्योंकि बड़ी कौमें हैं। और अगर हम कौम को बचाने की बात करते हैं तो हम कौम को उसको बचाने की बात करें जो वास्तव में दिक्कत में है, जिनके फेक इंकाउंटर किए जा रहे हैं, जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और वो काम सारा का सारा सरकार कर रही है। और सरकार को अगर हम हल्का नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप BJP को कभी नहीं हटा सकते, हिंदू मुसलमान की बात करके आप कभी नहीं हटा सकते। भाजपा की पूरी सियासत हिंदू मुसलमान को बांटकर सियासत करने की है, और जो भी उस सियासत के पचड़े में पड़ेगा वो भाजपा को बल देगा। और हम फिर कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें भाजपा से डराया जाता है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि भाजपा जो काम करती है वो इंसानियत की दुश्मन है। हम पूरे के पूरे चुनाव में अपने भाषण हमारे सुन लीजिए, हमने ये कहा कि अगर अतुल प्रधान, सीमा प्रधान और हमारे पार्षद जो यहाँ पे कॉर्पोरेटर जीत कर जाएंगे, ये इंसानियत का पैगाम होगा, इससे इंसानियत जुड़ेगी। आज भी आप देखिए पूरे हिंदू इलाकों में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट पड़ा, मुस्लिम इलाकों में
हमें जितना पड़ा मुस्लिम इलाकों में पड़ा, कोई बूथ बता दीजिए पूरे के पूरे 90 वार्डों में जहां पर समाजवादी पार्टी को वोट ना मिला हो। हर शख्स ने, हर जात ने, हर मौके पर, हर जगह पर वोट मिला, ज़्यादा मिला कम मिला उससे हम लोग हारे, वो बात अलग है। और मैं आपको वादा करता हूँ इस मेरठ की सियासत में आने वाले महीनों में आपको अलग तरह के चेंजेस दिखाई देंगे, और हमारे हारे और जीते सब हमारे लिए बराबर कॉपरेटर हैं, जो हमारे पार्षद जो हारे हैं जीते हैं हमारे लिए सब बराबर हैं। हम सब लोग एक टीम की तरह काम करेंगे, जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष और जो बाकी लोग हैं उनको भी साथ लेने की कोशिश करके हम लोग शहर के लिए काम करेंगे। और हम लोग अभी नगर निगम में जो जीत कर आए हैं सारे पार्षद, आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देते हैं, जीतने वाले मेयर साहब को भी हम लोग बधाई देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप 5 साल मेयर रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा मिलिन बस्तियां कहां पर हैं, कहां पर टूटी सड़कें हैं या कहां पर सड़कें है ही नहीं, कहां पर ऐसी हैं जहां पर जल भराव होता है, कहां पर नाले हैं ही नहीं, कहां पर पानी की निकासी नहीं है, कहां पर सीवरेज नहीं है, कहीं पर पानी नहीं पहुँच रहा। उन सारी समस्याओं को अभी हम 2-3 दिन में सारे अपने पार्षद जी लोगों से बात करके और जो हारे हैं उनसे बात करके एक पूरा का पूरा रैंडम बनाएंगे मलिन बस्तियों का और सबका, और हम सबसे पहले जाकर मेयर को वो सौंपेंगे और कहेंगे कि बरसात होने से पहले पहले अगर इस पर काम नहीं किया तो पानी में जाकर बैठने का काम भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के पार्षद लोग करेंगे। सबको से गुजारिश है कि जरा सा पहले बात होने दें पूरी। बहुत अच्छा आपने संतुलित जवाब दिया और सारी बातों को आपने कवर कर दिया। असल मुद्दा यह है कि अभी साल भर पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पूरी उत्तर प्रदेश में थे, विशेष समुदाय का तमाम वोट पूरा का पूरा अखिलेश यादव समाजवादी में पड़ गया। ऐसा इस बीच क्या हुआ अचानक मेरठ की धरती पे कि MIM का एक कैंडिडेट उतरता है, हैदराबाद की पार्टी जिनका बहुत ज़्यादा वजूद वहाँ भी नहीं है, 17 मेयर में से 16 में उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। यहाँ मेरठ में ऐसा क्या हुआ कि वो विशेष समुदाय अचानक समाजवादी की साइकिल से उतरकर पतंग उड़ाने लगा या पतंग वालों के साथ चला गया, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, आप विशेष समुदाय जिसको बोल रहे हैं भाजपा की भाषा है, हम इस भाजपा की भाषा में जाते, कोई विशेष समुदाय नहीं है, सब भाई एक जैसे हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो। और आप खुलकर बोलिए ना मुस्लिम, आप क्यों डरते हैं? मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ तो आप क्यों खुलकर डर रहे हैं कि विशेष समुदाय क्यों बोलते हैं? मुस्लिम बोलिए, वही बोला जाता है जनरली। क्यों बोलते हैं जनरली? भाजपा की बात, आपने मुझे करेक्ट कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुसलमान अभी क्यों चला गया वापस? आप मुस्लिम बोलिए सीधे, मुस्लिम भाइयों के साथ जो जातीय सरकार करती है समाजवादी पार्टी हमेशा से। आप भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त ना आइए विधायक जी, मैंने सवाल ये किया कि मेरठ में जो वो वर्ग है मुस्लिम वर्ग, वो क्यों चला गया सर? सरकार है ना, भाजपा की सरकार है, इसलिए चला गया मुस्लिम से। भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग सियासत, गंदी सियासत करते हैं। RSS का पूरा खेल यही है, पूरी RSS की सोच यही है कि जैसे बांटा जाएगा। ये वाली बात मैंने उसके कैंडिडेट से पूछी, 11-12 लाख लोगों ने देख लिया उसके, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ उसके कैंडिडेट से? आपने क्या पूछा वो आप जाने, हमने जो बोला हम जाने ना। अभी क्या बता देंगे आपको, कल जब चुनाव की वोट निकली है अभी आप बता दीजिए क्या हुआ, आप बताइए। 1,28,000 वोट जो है सर, आप भी तो इस शहर के रहने वाले, आप बताइए क्या हुआ? जो मुझे सुनेंगे आप, 1,28,000 मत बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं बताता रहा हूँ आपको क्या हुआ। यूं है कि एक साल पहले समाजवादी वो नहीं पूछ रहे हम, क्या पूछ रहे हैं क्यों हुआ ऐसा? नहीं अब ये तो आप बताएंगे, ये क्यों बताएंगे? ये तो आप बताएंगे सर, मैं पूछने आया हूँ आपसे। इस तरह की सियासत मत करो। और देखो विधायक जी, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते, भाजपा के एजेंट बन के जितने, नहीं 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 आप छोड़िए, मेरा जो पत्रकारिता जीवन है वो अलग है। जितनी वीडियो वायरल कर रहे हैं आपने एक दिन क्यों नहीं दिखाया? लक्ष्मीकांत वाजपेयी पूरे चुनाव में कहाँ थे आप बताइए? पूरे चुनाव में विजय पाल तोमर सांसद कहाँ थे? पूरे चुनाव में संगीत सोम को इन्होंने दूर क्यों बैठा के रखा? इसका जवाब दे दूं सर? नहीं नहीं तुम जवाब दो, तुम इसलिए जवाब मत दो तुम पार्टी नहीं हो। अच्छा हम पूछ रहे हैं भाजपा से सवाल। अच्छा। भाजपा से सवाल पूछिए कि पूरी की पूरी सियासत में उन लोगों ने किन किन को कैंडिडेट बनाया, और आने वाले समय पर हमारी बात सुनिए और उसको नोट कर लीजिए। जब इस बात का जवाब देने का हमारा नंबर आएगा उसका हम जवाब देंगे, सारी बातों का आपका जवाब देना हमारा जरूरी नहीं है। ठीक है विधायक जी, बात ये आप नहीं देना चाहते मत दीजिए। नहीं नहीं ये बात सुनो, जिस बात का हम जवाब देना चाहते हम दे दिया। ठीक है हम आने वाले, अब अगला सवाल कर लें, विपक्ष के रूप में लड़ेंगे अभी वो बहुत अच्छी बात है। अपने पार्षद लोगों से बात कर लें उसके बाद बात करेंगे आपसे। धन्यवाद। ठीक है ये थे हमारे अतुल प्रधान, जिनका कहना साफ ये है कि हम जो है फिर भी फील्ड में रहेंगे, कुछ सवालों का जवाब शायद नहीं देना चाहते, कुछ का दिया भी है, समुचित बयान दिया है, संतुलित बयान दिया है, लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा हो जाता है मेरा कि जो जनता
मेरठ की जनता समाजवादी पार्टी पर एक साल पहले थी, अचानक बिखराव क्यों हो गया? अब शायद किसी और नेता से इस बारे में बात की जाएगी। प्रधान जी हमारे इस बात का शायद जवाब नहीं देना चाहते। मैं रियासत अली के साथ राशि जहीर, न्यूज़ 9 टीवी के इल्तिजा के साथ, यदि आप चाहते हैं कि जिस तरह से हम तमाम वर्गों से सवाल पूछते हैं आज़ाद मीडिया के रूप में, तो इस चैनल को भी स्प्रेड कीजिए। मैं बहुत सारे चैनलों पर काम करता हूँ, इनके पास भी सिर्फ इसीलिए हाजिर हुआ था कि वो बुनियादी वजह पता चल जाए, शायद आपको कुछ जवाब मिल पाया और कुछ शायद नहीं मिल पाया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।